हाय गाइस, आज हम बनाएंगे पालक पनीर परोठा। तो इसके लिए हमने पानी उठाने के लिए मतलब कि उबालने के लिए रखा है। ये पानी उबल चुका है, इसमें अब हम ये पालक डालेंगे। एक जोड़ी के इतनी मैंने पालक ली है। ये इसको ब्लांच कर लेते हैं। मैं गैस बंद कर देती हूँ। हमारी जो पालक है, स्पिनच है, ये ब्लांच हो चुकी है। इसको मैंने ठंडा पानी लिया है, इसमें मैंने इसको डाल देना है। तो गाइज, हमने जो पालक ब्लांच करके लिया है, ये पालक और 6-7 हरी मिर्च, अदरक का 2-2.5 इंच का पीस लेंगे हम, और 7-8 कलिए हम लहसुन की लेंगे, और थोड़ा सा धनिया लेंगे, हरा धनिया, और 1 टीस्पून जीरा लेंगे। इस सब को हम ब्लेंडर में पीस लेंगे। पालक डाल लिया है मैंने इसमें। इसमें मैं ये हरा धनिया डाल लूंगी, और अदरक, लहसुन और जीरा और हरी मिर्च, ये सबको हम पीस लेते हैं। तो गाइस, 2 आलू लिए मैंने। इनको हम बारीक घिसनी से, मतलब कि बहुत हमें स्मूथ चाहिए ये, इसमें एक भी मतलब कि पीस नहीं रहना चाहिए। तो मैं इसको ये कर लेती हूँ। मुझे ये फ्रिज में थे मेरे, इसलिए ये ऐसे लग रहे हैं आपको चीज जैसे। हाँ, तो गाइस, मैंने ये आलू को घिस लिया है, और ये मुझे 1 प्याज लिया है मैंने, और 2 से 3 हरी मिर्च लिए। इनको बहुत फाइनली चॉप किया है मैंने इनको, और हरा धनिया, और मैं ये पनीर लूंगी। इसको ऐसे ही हाथ से स्क्रैम्बल कर लूंगी। तो गाइस, मैंने इसको स्क्रैम्बल कर लिया। इसमें हमने जो प्याज काटे वो प्याज डाल लेते, जरूरत के हिसाब से ही डालना है, क्योंकि फट सकती है, तो बहुत भी नहीं डालना है हमें, और थोड़ा सा बारीकी इसको चॉप करना है। उसके बाद हरा धनिया डाल देते, हरी मिर्च डाल देते, इसमें थोड़ा सा ये धनिया जीरे का मिक्स पाउडर मैंने बारीक करके रखा है, वो डाल देते 1 से 1.5 टीस्पून। थोड़ी सी हल्दी डालते, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, और स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। इस सब बैटर को हम मिक्स कर लेते बराबर से। ये बैटर मैंने बना लिया है। अभी हम आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 2 जो बर्तन है, इससे 2 कटोरी, ये 2 फुलपात्र गेहूं का आटा लिया है, और 2 ये फुलपात्र मिलके मैदा लेंगे। इसमें नमक डालेंगे थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के बराबर से घी डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम हाथ से मिला लेंगे। ये जो बैटर बना के रखा है हमने, इसके हिसाब से हम नमक डाल लेंगे। ये जितना हमें इसके अंदर बैठेगा उतना ही हम यूज करेंगे, इसलिए इसी में हम नमक डाल लेंगे, इसमें भी और आलू वाले बैटर में भी। मतलब कैसा होता है कि हम कम यूज करेंगे तो फिर ये कम लगेगा, तो ज़्यादा यूज करेंगे तो फिर कम पड़ जाएगा नमक, इसलिए इसमें मिक्स करके नमक लेते हैं हम। और अब इसमें मैं ये जो आलू का मिक्सचर मैंने बना लिया है, ये नमक मिक्स करके आलू का मिक्सचर इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने इसलिए लिया है कि हमारा जो परोठा है आलू पनीर का, ये थोड़ा सा क्रिस्पी बने और इसका कलर भी बहुत अच्छा है। तो ये मिक्स कर लिया है, तो इसके बाद में ये पालक का जो हमने प्यूरी बनाई है वो धीरे धीरे डाल लेंगे, जितनी हमें चाहिए वैसा आटे में बैठेगी। हाँ गाइस, ये देखिए, मेरा पालक का डो तैयार हो चुका है। अभी हम इसका परोठा बनाते हैं स्टफिंग करके। एक डो लिया है मैंने, जैसे हम पूरन की रोटी बनाते उस टाइप से हम इसमें ये पनीर का बैटर जो हमने बना के लिया है
वो इसमें हम भर लेंगे। ये स्टफिंग हमने इसमें भर लिया है ये डो में पालक वाले। अब इसको हम थोड़ा सा हाथ से बड़ा कर लेते हैं, मतलब कि ये जो स्टफिंग हमने भरी है वो सब तरफ से फैल जाए, और इसको हम थोड़ा सा आटा लगा के आराम से बेल लेते हैं। और गाइज ये जो स्टफिंग वाली कोई भी हम परोटा बनाते तो इसके लिए हम खाली घी का आटा लेते हैं तो ये जल्दी से फट सकता है, लेकिन वही हम इसमें थोड़ा सा मैदा डालते हैं ना आटा गूंदने टाइम, तो ये फटने के चांसेस इसके कम होते हैं क्योंकि मैदा थोड़ा सा स्ट्रेचिंग होता है। तो इसलिए देखिए आप मेरा ये परोटा बिल्कुल भी कहीं से इतना स्टफिंग भरा है तो कहीं से भी बिल्कुल भी फटा नहीं है। ये देखिए इसको अब हम सेक लेते हैं, इसको हम तवे पे डाल लेते हैं और इसको घी लगा के, आप चाहे तो तेल लगा के या बटर लगा के, जो भी आपको आसान लगता है उसके साथ हम इसको सेक लेंगे। तो आज का टिप्स मैंने आपको बताया कि कोई भी मतलब कि पूरन की रोटी में भी हम जब थोड़ा सा मैदा ऐड करते तो हमारी पूरन की रोटी, मैं एक बार वैसी मैदे वाली पूरन की रोटी ऐसे ही खाली बना के बताऊंगी, वैसे तो मैंने एक दिन शॉर्ट लिया था परसों के दिन, तो बहुत इजी बनती है वो। एक तरफ से मैंने थोड़ा सा बटर घी लगा लिया है, मैंने बटर नहीं यूज किया है, घी लगा लिया है। इसको थोड़ा सा ज़्यादा घी या तेल के साथ आप बनाइए, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और क्रिस्पी भी लगता है। ये मैंने इधर से घी लगा लिया है, आप देख सकते हो एक साइड हमारी बन चुकी है, कितना कलर भी सुंदर आया है हमारे पालक परोटे का, और अंदर का स्टफिंग भी बाहर से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो इसको हम ये हमारे स्पैटुला से प्रेस कर करके ऐसा गुलाबी सेक लेंगे सब तरफ से। हमारा ये पनीर पालक का परोटा तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो इसको नज़दीक से, चिमू खा के देखेगी टेस्ट कैसी है बताएगी आपको। तो देखती है गाइस कैसा बना है, ये आप चाहे तो दही के साथ भी खा सकते हो, लेकिन मुझे अचार के साथ पसंद है तो मैं अचार साथ ही खाती हूँ। बहुत ही मस्त लग रहा है, आप देख सकते हो इसका क्रिस्पीनेस, ये देखिए मैं दूसरा। हाँ तो गाइस यही पालक पनीर का मैं लच्छा पराठा भी बनाती हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा टेक्सचर भी अलग रहेगा और टेस्ट भी अलग रहेगी, तो इसके लिए मैंने ऐसी लंबी एक डो की लंबी रोटी बना ली है, उसको मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया है। अब ये बैटर मैं इसमें फिल करूँगी ऐसे खड़ा खड़ा। हाँ तो गाइस मैंने ये स्टफिंग इसमें फिल की है, बार बार मेरे मुँह में से बैटर ही आ रहा है, बैटर नहीं स्टफिंग। तो ये देख सकते हो आप, मैंने ये ऐसा इसको एक फोल्ड किया है और इधर से भी एक फोल्ड कर दूंगी। हाँ तो गाइज मैंने ये डो की जो पनीर पालक वाला डो है इसकी ऐसी लंबी रोटी बना ली और इसको थोड़ा सा घी मैंने लगा लिया, तो क्या है कि लंबे से आपको इतना बराबर से नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा नजीक ला लिया ये, और ये बार बार मैं बैटर बैटर बोल रही हूँ, तो ये जो स्टफिंग है जो मैंने अपन ने बनाया है पनीर वाला, तो ये इसमें मैंने ऐसा खड़ा रोल के जैसा किया है और फिल किया है, और अब इसमें मैं ये इसको इधर से एक फोल्ड किया है और इधर से भी एक फोल्ड किया है, ये ऐसे फोल्ड करके हम इसको अब ऐसा गोल बना लेते हैं, और इसके बाद इसको हम जैसे ये रोटी बनाते हैं हम लच्छा पराठा वैसा इसको गोल शेप दे दिया है, ये देखिए अब इसको हम बेल लेंगे। इसको ऐसा हमने गोल गोल किया है, इसको हम धीरे धीरे ऐसा बेल लेते हैं, मतलब कि ये जो हमारा लच्छा पराठा है ये बन सकता है। इस टाइप से मैंने ये लच्छा पराठा डाल दिया है, इसको भी ऐसे ही हम घी लगा के या तेल लगा के सेक लेंगे बराबर से। हाँ तो गाइज ये जो
पनीर पालक का परोठा जो हमने बनाया है ये हेल्थ के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। आप या तो, मैंने तो वैसे आलू बहुत ज़्यादा नहीं डाले उसमें, इसमें ज़्यादातर स्पिनच और पनीर ही है जो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। तो आप या तो आलू, इसे इतने नहीं है, दो ही आलू डाले, वो भी स्किप कर सकते हो। आलू मैंने थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आने के लिए डाले थे। और आप सुबह के ब्रेकफास्ट में ये ले सकते हो आलू परोठे के बजाय, या फिर शाम के खाने में भी ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छा हेल्दी ऑप्शन है, डाइट के लिए भी चल सकता है। तो देखिए, आप आपको ये मेरी रेसिपी देख के या फिर आप खुद ट्राई कीजिए, आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से हमारा ये पालक पनीर परोठा बना है। दोनों साइड से